बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम मोकरिया मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को गुजरात के सौराष्ट्र में अच्छी पहचान रखने वाले बीजेपी नेता को घेरने का मौका मिल गया है। दरअसल मोकरिया ने कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में बुजुर्ग नेता द्वारा रुपए वापस न मिलने का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने नेता का नाम उजागर नहीं किया था। सौराष्ट्र की राजनीति में बवाल लाने वाले इस बयान के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस नेता महेश राजपूत ने राज्यसभा सांसद राम मोकरिया की रुपयों की उगाही वाले पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। महेश राजपूत का आरोप है कि राम भाई मोकरिया ने 2008 और 2011 का हिसाब नहीं दिखाया है, ऐसे में अब पूरे मामले को चुनाव आयोग में वो लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि राम मोकरिया ने अपने पोस्ट में लिखा था, एक बहुत बुजुर्ग नेता मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। वो अरबपति हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने 1980 से अलग अलग विभागों में काम किया है और हाल ही में गुजरात से सेवानिवृत्त हुए हैं। राम भाई ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि इस बयान ने सौराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं शुरू कर दी थी। राजकोट में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके वजूभाई वाला ने ही लंबी पारी खेली है। ऐसे में यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या मोकरिया इन वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस ने भी एंट्री ले ली है, जिसके बाद सांसद फंसते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।